about following the nation going to be missing that. Was the Satsang Ground, Mary Aziz Tulema. Aaj, aap jaise bahut se bachon ki zindagi ka ek ahem tareen din. Main kal bhi 10th MA wahan ka attendant gaya. Usse yahi baat ki ke alhamdulillah aaj bhi mere principal alam ki lambi umar par wo 95 saal ke hain. Many teachers, बड़ी उम्र के जब भी मुझे फोन करते हैं महीने में एक दो तीन मतलब जरूर हमारी फोन पे बात होती है जो ही उनका फोन आता है मैंने आप बच्चों को यही बताया और दिक्कत है उनका फोन आते ही मैं खड़ा हो गया एहतराम के उसमें हालांकि वो मेरे सामने नहीं है लेकिन उन्होंने जो कुछ सिखाया जो हमारी जिंदगी में जो तरबियत हमारी की उसके असरात आज भी है बेटा आप में से चंद बातें ऐसी भी यहां मैं भी कर जाऊंगा कि शायद बात बच्चों को महसूस भी हो जाए लेकिन वो हकीकतें हैं वो आपके सामने रखनी भी है नाइन्थ के बाद बच्चों ने कहा कि हमने टेंथ वाले बच्चों से बहुत कुछ सीखा बेटा जो कोई बात ऐसी चीजें हैं वो मत ही सीखे तो अच्छा है जो सीखने की बातें हैं वो जरूर सीखे जो क्योंकि टेंथ वालों का ये हर क्लास में जाके इनको मैं जाके बताता रहा हूं कि बेटा जिंदगी की ये सूरत एक दिन खत्म हो जाएगी आप में से अक्सरियत यहां 5 साल रहे हो और आपको उन 5 सालों में मैं बार बार यही बताता रहा हूं कि बेटा इन जैसे असाध्या की मौजूदगी में कुछ कर दो अब जिन बच्चों ने किया वो तो बहुत अच्छे जा रहे हैं मुतमिन भी हैं जो बच्चे नहीं कर सके उस पे वक्त तो उनका भी गुजर गया और आज या आने वाला जो कल है इसमें उन्हें ये जरूर याद आएगा कि हाँ हमारे साथ तो हमें ये कहते थे हमने उनकी और अपने वालिदैन की बातों पे अमल ना करके कितना बड़ा अपना नुकसान कर दिया अब इन दिनों में भी बार बार आपको ये ध्यान करवाई जाती है कि बेटा अब भी कुछ न कुछ वक्त कुछ न कुछ चांस आपके पास है अब इस वक्त को भी इस्तेमाल कर ले तो बहुत कुछ हो सकता है अफसोस इस बात का बता आप सब क्यों यहां बैठे हुए हैं अल्लाह ने बेशुमार सलाहियतों से आपको नवाजा आप सबकी सबसे बड़ी खुशकिस्मती कि आप करने लाया है मोहम्मद रसूल को मानने वाले हो उसको करने वाले हो सबसे बड़ी खुशकिस्मत और बाकी अल्लाह ने आपको इतनी सलाहियतें दी हैं कि जिनका अंदाजा अभी आपको नहीं हो रहा है जब अगली जिंदगी में जाएंगे उस वक्त आपको ये अंदाजा भी होना शुरू होगा कि काश इन सलाहियतों को हम बराबर तरीके से इस्तेमाल करें अब भी मेरा हर भी वक्त है जिंदगी जिस तरह आपको शुरू दिन से हुई छुट्टी में आगे आपको से बहुत से बच्चों को मेरे छुट्टी में आप इस बात के गवाह हो बेटा एक दिन आएगा आपका स्कूल से वक्त खत्म हो जाए आज वो वक्त खत्म हो जिस तरह एक इंसान आता है और वो कुछ छुट्टी के ये दुनिया एक स्टेज है और हर इंसान आके अपना अपना इसके लिए रोल प्ले करता है और वापस चला जाता है इसी तरह के तालिब इलम की जिंदगी में तमाम तालीमी इदारों में ये इब्तदाई तालीमी इदारा स्कूल जो कि जिसको तालिब इलम इतनी ज्यादा अहमियत नहीं देते लेकिन ये ही वो बुनियाद होती है जो उसका फ्यूचर बनाता है ये नाइन्थ वालों को उनके पास अभी भी एक चांस है एक साल का चांस है
जिस तरह टेंथ वालों में मुझे ये हकीकत बता रहा हूँ, आपका दिल सफा नहीं करना चाह रहा है, लेकिन हकीकत बता रहा हूँ, जो बार बार आपको बताता भी रहा हूँ, टेंथ वालों में से बहुत से बच्चों ने वालिदैन की भी और साथ की बात को नहीं माना, उस वजह से आज वो दूसरे के साथ ना भी करे, लेकिन हकीकत ये है कि आप दिल से परेशान हुई। मैं आपको नाइन्थ वालों को कहता हूँ, बेटा अब आपके पास एक साल का चांस है, मगर कल एक साल बाद जो लोग यहाँ सबसे होंगे आप वहाँ बैठे होंगे, आपका भी ये दिन आ जाएगा, आपके पास अब चांस है, इस चांस को इस्तेमाल कर लो। टेंथ वालों का मैंने कल उनसे बात की थी, मुकम्मल रोशनी अभी खत्म नहीं हुई, आपके दर्जे पे रोशनी इंतमा रही है, अगर उसको इस्तेमाल करना चाहे अब भी कर सकते हैं। आपको भी बताया कि ये दिन इस्तेमाल कर लो, इसमें कुछ मेहनत कर लो, हर पेपर के दरमियान गैप होगा उसमें कर लो, और पिछली तमाम गलतियों कोताहियों पे दिल से सलामत महसूस करके अल्लाह से वादा कर लो कि अल्लाह आइंदा नहीं करेंगे, आइंदा के लिए कोशिश यूँ कर लो, कर सकते हो। इतनी साहित्य अल्लाह ने देश भर दी हुई, ये काम खाता फजूल एक्टिविटीज कुछ नहीं आता, उनसे पॉजिटिव एक्टिविटीज हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे के जाएंगे, चाहे वो स्कूल की जिंदगी हो या अमली जिंदगी हो। बेटा जहन में किताब और पक्का यकीन, आज 1,50,00,00,000 मुसलमान सारी दुनिया में जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं, जो हकीकत है, गलतफहमी में मत रहे, जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं, दूसरों के एजेंट बने हुए हैं, दूसरे अपनी मर्जी से उनको चला रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक वजह, बुनियादी वजह एक ही है, अल्लाह के अहकाम को नहीं मान रहे, नदी के बताए हुए तरीके पे नहीं चल रहे, सिंपल ये बात है, एक ही बुनियाद है, अल्लाह के बताए हुए अल्लाह के दिए हुए अहकाम पे नहीं चल रहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी वजह से अल्लाह ने ये सारी कायनात पैदा की, उन्होंने जो कामयाबी का एक जरिया बताया, एक तरीका बताया, उस पर नहीं चल रहे, गैरों के तरीकों पे चल रहे हैं, गैर इनको अपने तरीकों पे चला भी रहे हैं और इनको जलील भी कर रहे हैं, और जब तक मुसलमान अपनी बुनियादों पर नहीं आएगा वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। बुनियादी क्या है, अल्लाह ने बता दिया ना, मैंने फरमा दिया, माँ बाप के सामने वसल्लम ने उसके तरीके हदायत बता दिया, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, गाली गलौज मत करो, आज तुम्हारा मजाक का भी हिस्सा मत करो, मजाक भी करते तो गाली गलौज भी कर देते हैं, इतना पता ही नहीं है कि जिस कौम में जब मुसलमानों में गाली गलौज काम हो जाए उसकी दुआएं अल्लाह कबूल नहीं करती, मदद अल्लाह से मांगे अल्लाह मदद नहीं करती, और अल्लाह जमीन करके रखते, ये हो रहा है। बेटा आपको एक चीज बार बार हम बताते रहे, ये मत समझो कि आज आपका अपने एक टीचर का तालिब इल्म का सारी जिंदगी का ताल्लुक बन रहा है, आपका तमाम असातिज़ा के साथ सारी जिंदगी का ताल्लुक रहेगा, जो गलतियां को कहीं आपसे पहले हुई उनको बह करके छोड़ दो, आज से अपनी जिंदगियों को बदलाओ, हम आपकी जब तक जिंदा है डर गए तो बात करो, हम आपकी जिंदगी में हर स्टेज पर आपकी रहनुमाई और मदद करने के लिए तैयार मौजूद है। हाँ, इस सारे कार्य से ये चीज ये जरूर है, छठी से लेकर आज तक इस तरह तो रहमान साहब ने बात की, मुस्ताफ साहब ने की, हमने देशवाद में बाकी पर सबसे ज्यादा मैंने की, आपको डांटा भी, आपको बुरा भला भी कहा, आपको सजा भी, और आपको बार बार ये भी याद दहानी कराई कि बेटा ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप मेरे बेटे हो, ये तमाम असाचा आपको अपनी औलाद समझते हैं, आपको तरबियत इस अंदाज से करना चाहते हैं कि जिंदगी में आप कामयाबी देखें, और मैं आपके सामने फरमाना कहता हूँ
वक्त खुदा जिस तरह आपको सजा दी या जिस तरह आपसे बात की, अपने बेटों को भी जो सबके भतीजे हैं या मेरी बेटी है उनको भी इसी